तो भाई ये है ऑल न्यू बजाज पल्सर N125। दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि N125 का रिव्यू लेकर आओ, सो फाइनली आपके सामने खड़ी हुई है। दोस्तों अभी जो हम इसका वॉक राउंड करने वाले हैं, इसके बाद हम इसे राइड भी करेंगे एंड आपको मैं चलाकर भी बताऊंगा दोस्तों कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है और कैसे ये परफॉर्म कर रही है। सबसे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि आप लोगों को इसका लुक एंड डिज़ाइन कैसा लगा। देखिए अभी भी मैं कह रहा हूँ आपसे कि वीडियो में देखने में उतने अच्छी तरीके से फ़र्क नहीं, मतलब समझ नहीं आता आप वीडियो में देखेंगे फ़ोटो में देखेंगे। मैं खुद इसे जब रियल लाइफ में देख रहा हूँ तो मुझे अच्छी लग रही है बाइक, ठीक है। 125 के हिसाब से भाई कंपनी ने काफ़ी यूनिक चीज़ लाई है और इस चीज़ को लेकर बजाज को अप्रिशिएट है कि भाई आपने काफ़ी प्यारी बाइक बनाई है। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं ब्रांड न्यू N125 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रह सकें और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेंगे इस बाइक के प्राइस के बारे में, आपको ये क्या प्राइस देखने को मिलती है। अब जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे हैं, सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है। दोस्तों ये जो बाइक है ना, आपको एक्सरूम प्राइस आती है 94,000 के आसपास की आपको ये एक्सरूम प्राइस देखने को मिलेगी अगर आप इसका बेस मॉडल लेंगे। बेस मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता। ये जो आपके सामने खड़ी है दोस्तों ये टॉप मॉडल है, ये आपको ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 98,000 के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों के सीट एंड स्टेट में इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए रिव्यू में आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक पल्सर की बैजिंग मिलेगी और ये पल्सर की बैजिंग आपको ये भी मिलती है 3D मोनो वाली, ये नॉर्मल ग्राफिक है और यहाँ पे आपको मिलती है दोस्तों N125 की बैजिंग। देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको N125 की बैजिंग आपको इसमें मिल जाती है। तो गाड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है और लुक जो इसका काफ़ी यूनिक दिया है कंपनी ने, काफ़ी यूनिक लुक जो लुक है हमें इसका देखने को मिला है। देखिए सबसे पहले मैं इसकी की ऑन करता हूँ, जैसे आप की ऑन करेंगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हमारा मीटर ऑन हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जो लाइट है वो आपको यहाँ पे फुली LED लाइट आपको देखने को मिलेगा। एक लो बीम और एक हाई बीम है, मैं आपको पास मार के दिखाता हूँ कैंसी। ये देखिए यहाँ पे आपको फुली जो है LED लाइट आपको उसका देखने को मिल रहा है। लाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आई थिंक दोस्तों यहाँ पे जो है कंपनी DRL यहाँ पे कोई नहीं है। अगर DRL लाइट कंपनी देती है, इसको DRL दे देता इन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आई थिंक ये और ज़्यादा अच्छी लगती। बाकी लाइट ठीक है आपको अच्छी मिल रही है। जो टर्न सिंगल लैप है वो आपको दोस्तों बल्ब देखने को मिलते हैं और टर्न सिंगल लैप का डिज़ाइन भी बाय बजाज ने काफ़ी यूनिक रखा है। दोस्तों फ्रंट में इसमें आपको जो सस्पेंशन मिलते हैं वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिए टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, कंपनी ने यहाँ पे कवर डाल दिया है बट है ये आपको टेलीस्कोपिक जो सस्पेंशन आपको इसमें मिल जाता है। एंड जो टायर से जाता है दोस्तों फ्रंट में आपको 80-100 का टायर से आपको फ्रंट में मिलेगा। ब्रेकिंग में आते हैं, ब्रेकिंग में दोस्तों ध्यान रखिए इसमें आप लोगों को कंपनी ने जो है ABS का ऑप्शन नहीं दिया है। जी हां इसमें ABS नहीं आता दोस्तों, नॉर्मल आती है, नॉर्मल डिस्क के साथ में। और जो प्लेट साइज है आपको इसमें लगभग 240 mm के आसपास की जो डिस्क प्लेट है दोस्तों आपको इसमें फ्रंट में देखने को मिल जाती है। जो डिस्क प्लेट का साइज है वो भी आपको यहाँ पे काफी तगड़ा मिल जाता है एक 125 के हिसाब से। अब चलते हैं दोस्तों इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन की तरफ, इंजन के बारे में बात कर लेते हैं कि इंजन हमें इसमें कैसा देखने को मिला है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा इस बाइक में आपको इंजन टाइप में 124.58 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर जो इंजन है हमें इसमें देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों ये जो बाइक है मैक्सिमम पावर में 12 PS के आसपास की पावर जनरेट करती है एंड 11 Nm का जो टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। यानी भाई पावर एंड जो टॉर्क है वो भी आपको इस बाइक में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। और एक 125 की व्हीकल है दोस्तों, तो 125 के हिसाब से तो भाई काफ़ी अच्छी पावर एंड परफॉर्मेंस आपको इसमें मिल जाती है। हालांकि मैं आपको राइड करूंगा तब बताऊंगा कि कैसे ये परफॉर्म कर रही है। आपको बताना चाहूंगा कूलिंग सिस्टम में इसमें आपको एयर कूलिंग इंजन मिलता है दोस्तों। फ्यूल सिस्टम में इसमें आपको FI देखने को मिलता है जिसे फ्यूल इंजेक्टर भी कहते हैं। साथ में आप ध्यान रखिए दोस्तों ये जो बाइक है 5 गियर के साथ में आती है। इसकी बोर साइज़ 54 mm है, स्ट्रोक साइज़ 54.4 mm के आसपास की है। दोस्तों ये BS6 स्वीट E20 नॉर्म्स के साथ में आती है और एक अच्छी बात है कि इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिलता है और इसमें आपको किक स्टार्ट भी मिलता है, आप दोनों ऑन कर सकते हैं दोनों तरीके से। और भाई जहाँ तक मैं ये इंजन को देख पा रहा हूँ, इंजन आपको ये बिल्कुल नया टाइप का मिल रहा है। भाई पल्सर 125 में ये इंजन तो नहीं आता, उसमें अलग इंजन आता और इसमें हमें अलग इंजन देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ने जो इंजन है दोस्तों वो टोटली इसमें जो है नया इंजन इसमें कंपनी ने मतलब दिया है, ठीक। चलिए बात कर ले दोस्तों इस बाइक के माइलेज इन परफॉर्मेंस के बारे में। देखिए माइलेज जो है 125 की व्हीकल है, 12 PS का पावर है तो मतलब 55-60 के आसपास का माइलेज ये देगी। टॉप स्पीड लगभग 110 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड आपको इसकी मिलने वाली है।
रियर में आते हैं। दोस्तों रियर में आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे आपको N125 की एक बैजिंग मिल रही है, उसके बाद रियर में जो टायर साइज मिलता है दोस्तों इस वाली मॉडल मिलता है 110/80 का टायर साइज रियर में। यह बाइक का एग्जॉस्ट है जो कि आप लोग को दोस्तों अंडर बेली एग्जॉस्ट में देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट कंपनी ने दिया है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग इसके रियर फुटरेज है, ठीक है, वो फ्रंट फुटरेज है। सस्पेंशन आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक देखने को मिलेंगे, रेड कलर के सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्वालिटी आपको जो है यहाँ पे काफ़ी तगड़े देखने को मिलता है, सस्पेंशन जो है कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिया है। टेल लाइट आपको दिखा देता हूँ, टेल लाइट आपको यहाँ पे LED मिलता है, ये देखिए, देखिए मैं ब्रेक दबा देता हूँ, टेल लाइट ऑन होगी, ठीक है। टेल लाइट आपको यहाँ पे LED देखने को मिलेगी और टेल लाइट का जो लुक एंड डिजाइन है दोस्तों वो भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप देखेंगे रियर में इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, ये इसके ग्रेबलेस है, ग्रेबलेस क्वालिटी इसकी बहुत सुपर है। सीट में दोस्तों इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलेगा, 1x2 दो पार्ट में सीट है, फोम क्वालिटी विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ से आप देखिए इस साइड से आप इसका लुक देखिए कैसा लुक डिज़ाइन आ रहा है, आप कमेंट करके बताना, मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको E20 की एक बैजिंग मिल जाएगी, ठीक, जिसे आप यहाँ पे फ्यूल कैप ओपन करेंगे वहाँ पे इसकी एक बैजिंग मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिलेगा, USB चार्जिंग भी जो है कंपनी ने ऑफर किया हुआ है। चलते हैं दोस्तों इसके स्पीडोमीटर की तरफ, ठीक, स्पीडोमीटर जो है मैं आपको अच्छी तरीके से जो है इसका दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लीन कर लो भाई, बारिश हो गई यार, ये पता नहीं कौन सा मौसम है जो बारिश हो गई। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इस टाइप की है जहाँ पे आपको एक बजाज की बैचिंग मिली और की भी बिल्कुल नया है दोस्तों, लॉक सेट यानी कि नया है इसका बिल्कुल। स्पीडोमीटर में आप देखेंगे यहाँ पे आपको इसमें फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल रहा है, यह ब्लूटूथ वाला मॉडल है तो इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर मिल रहा है, नॉन ब्लूटूथ में थोड़ा इतना सा छोटा सा स्पीडोमीटर टाइप का कंपनी ने यहाँ पे बांटा हुआ है, उसका भी रिव्यू करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, ये आपका ट्रिप है, ठीक है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिलेगा, ये आपका क्लॉक है, यहाँ पे इंजन ऑफ लिखा तो मैं ऑन कर देता हूँ, ऑन कर दिया मैंने, इसका स्पीडोमीटर है। स्विचेस में यहाँ पे एक स्विच मिलेगा जिससे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल करेंगे, आपको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर है, उसके बाद वार्निंग्स है, क्लॉक है, ब्लूटूथ है और एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक। इतने फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं, ये इंजन माल फंक्शन लाइट है, यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे न्यूट्रल इंडिकेटर है, ये सारे फीचर आपको इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक। दोस्तों आपको बता दूँ स्विचेस में ये पास स्विच है, टर्न सिंगल लैप है, ये आपका हॉर्न है, ये इंजन किल स्विच है, ठीक है, एक आई थिंक ये हजार्ड के लिए दिया होगा कंपनी ने, मे भी एक बार ऑन करते हैं, ऑन करके देखते हैं क्या है ये। नहीं ठीक है ये चीज़, और यहाँ पे इंजन किल स्विच प्लस एक आपको सेल्फ स्विच यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लीजिए, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसे राइड करेंगे। तो भाई एग्जॉस्ट तो इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ है व्हीकल और स्मूथनेस जो आपको इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्यूल टैंक कैपेसिटी 9.5 लीटर है, सीट हाइट इसकी 795 mm है, ग्राउंड क्लियरेंस 198 mm के आसपास का मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों ये था इसका डिटेल रिव्यू, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है इसका राइड रिव्यू, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों अब जो है इस बाइक को राइड करते हैं एंड राइड करके फील करते हैं कि भाई कैसा ये परफॉर्म कर रही है। आपने इसका वॉक राउंड तो देख ही लिया होगा बट राइड रिव्यू ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भाई राइड में तो असली पता चलेगा ना कि बाइक की सच्चाई क्या है। वैसे आप लोगों को GoPro में एंगल कैसा लग रहा है और इसका लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों राइड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा इसके सीट हाइट के बारे में। तो भाई वीडियो फोटो में ना ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा सीट हाइट है, पता ऐसा कुछ ही नहीं, नॉर्मल इतने पैर मेरे पहुंच जा रहे, मतलब आपकी भी हाइट अगर 5.3 या उससे ऊपर है तो आप राइड कर सकते हैं, आपको कोई जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ी बाइक गंदी हो गई नोटिस मत करना क्योंकि भाई बारिश हो रही थी और उसकी वजह से जो है थोड़ी बारिश की वजह से थोड़ी गंदी हो गई है। चलिए सबसे पहले आप इसका एग्जॉस्ट नोट ले लीजिए, वही पल्सर वाली फीलिंग है जैसे कि हमेशा हर पल्सर में आती है। तो चलिए दोस्तों चलाते हैं इसे, मैं पहले अपना जो है बंद कर लेता हूँ विंडशील्ड। चलिए थोड़ा खींचते हैं, सबसे पहले पावर तो है नहीं, देखो ऐसा है कि ना पावर आपको ना बिल्कुल फील होगा, ऐसा नहीं है कि अगर आप एक आपको लगेगा कि भाई मैं एक 125cc की बाइक चला रहा हूँ तो मुझे पावर बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये गलत फहमी मत पालना, पावर इसमें बहुत अच्छी है, ठीक है। और अभी भी मैं आपसे कह रहा हूँ दोस्तों कि भाई रियल लाइफ में देखने में और जो है मतलब रियल लाइफ में जब चला रहे हैं और रियल में से रोड में देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि बाइक जो है हम फोटो वीडियो में देख के इसे जज कर रहे थे बट ऐसा है नहीं यार, बाइक जो है ना काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा भगा के आपको दिखाता हूँ, मीटर चालू आप देख सकते हैं, देखिए अभी जो है
देखिए मैं शुरू से आपको धीरे से दिखाता हूँ, थोड़ा मैं आपको खींच के दिखाऊंगा, देखिए ठीक है। चलो स्पीडोमीटर देखना, देखिए मतलब 70 जो है काफ़ी इजीली जा रही है, काफ़ी इजीली जो है 70 जो है अपनी स्पीड अचीव कर ले रही है। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई परफॉर्मेंस है, आप ये बिल्कुल मत समझना कि इसमें परफॉर्मेंस नहीं है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि भाई एक 125 की बाइक है तो क्या ही परफॉर्म करेगी, ऐसा नहीं है। एक चीज़ मैं ये नोटिस किया परफॉर्मेंस, दूसरी चीज़ दोस्तों मैं नोटिस कर रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है और एकदम ईजी टू राइड है। देखिए लाइट वेट है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी टू राइड है। तो आप जो है इसे दोस्तों मिनिमम आप मान के चलिए कि भाई आप चाहते हैं कि भाई मैं लंबा चलाऊं, तो आप अगर चाहेंगे तो उसे भाई 150-200 किलोमीटर आराम से खींच सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी चीज़ दोस्तों मैंने नोटिस किया कि जो इंजन इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब कंपनी ने एक नया इंजन यूज़ किया है तो हाँ भाई कंपनी ने इम्प्रूवमेंट तो लाया होगा। तो जो इंजन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पुरानी वाली मतलब आप पल्सर की बाकी पल्सर से अगर आप इसकी कंपेयर करेंगे तो आपको ये चीज़ फील होगा कि हाँ भाई जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा जो हमें इसमें स्मूथ देखने को मिल रहा है। दोस्तों आपको पता है कि पल्सर जो N125 है इसका वेट काफ़ी दिनों से था, बट किसी को ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि कंपनी कुछ यूनिक टाइप का लुक देगी, और कंपनी ने काफ़ी यूनिक जो लुक के साथ में जो इसे इंडियन मार्केट में उतारा है। बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई 125 व्हीकल है, मतलब क्या बना दिया बाजार ने, भाई इसको पोलियो हो गया फलाना ढिकाना। भाई मैं आपसे कहूँगा कि भाई पहले ना एक बार रियल लाइफ में देखो, सोशल मीडिया में देखते हो, बाइक वीडियो में देखते हो, कमेंट कर देते हो, उससे मतलब नहीं है। एक बार रियल लाइफ में देखो, सामने आकर देखो, तो आपको समझ में आएगा कि भाई कंपनी ने कुछ नया किया है, एटलीस्ट कुछ नया तो किया ना भाई, वही चीज़ पे काम नहीं किया, ठीक है भाई। ये चीज़ आपको ज़रूर इसमें फील होने वाला है कि भाई काफ़ी कम्फर्टेबल है, परफॉर्मेंस आपको बहुत तगड़ी। पिकअप देखिए, देखिए पिकअप भी काफ़ी तगड़ा है, ऐसा नहीं कि पिकअप नहीं है, पिकअप भी आपको बहुत तगड़ा जो है इसका देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, ये टॉप मॉडल है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, इसका एक बेस मॉडल भी आता है जिसमें आपको BT कनेक्टिविटी नहीं मिलता है। उसका मीटर थोड़ा सा मतलब साइज़ वाइज सेम दिखेगा बट फीचर थोड़े से उसमें कम है, तो वो आपको थोड़ा 4,000 से 5,000 रुपये के आसपास का जो डिफरेंस रखती है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया, ठीक है। ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो देखिए मैं आपको बता दूँ, इसमें जो है ना एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नहीं आता, मतलब ABS इसमें नहीं है। बट फिर भी दोस्तों एज इट इज़ मुझे ऐसा कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा कि भाई मैं विदाउट ABS वाली बाइक चला रहा हूँ। और देखिए 125cc की बाइक्स में वैसे भी ABS की कोई ज़रूरत नहीं, और ये खुद इंडियन गवर्नमेंट भी मानती है, इसलिए उन्होंने 150 बाइक को कंपलसरी किया है। तो भाई जो कंपनियां हैं अपनी ओर आकर्षक करने के लिए जो है ABS दे रही है, वैसे हालांकि एज इट इज़ इसमें ABS की कोई ज़रूरत है नहीं भाई मेरे हिसाब से, ठीक है। बट फिर भी आपको जो है एक बार मैं ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाऊंगा कि कैसी ब्रेकिंग, आपको समझ भी तो आए कि चलो ABS है नहीं, लेकिन फिर भी जो है हमें ये तो पता होना चाहिए कि बाइक की जो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है हमें कैसे मिल रही है। तो मैं यहाँ पर जो है एक बार इसे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे कोई नहीं है, पहले देखना पड़ता है भाई, वरना कोई सामने वाला मुझे ठोक देगा पीछे वाला। ये देखिए देखिए ठीक है, जो है अभी जो है थोड़े मैंने कम स्पीड पे किया है, थोड़ी मैं ज़्यादा स्पीड में ट्राई करता हूँ, 60-70 में ट्राई करूँगा तो आपको बेहतर समझ में आ पाएगा। अरे यार मेरा बाजू कोई है इसलिए मैं झट से ब्रेकिंग नहीं मारूंगा, चलिए चला गया, अब दिखाता हूँ। ये देखिए मतलब तुरंत, मतलब 50 से आप देख सकते हैं तुरंत कैसे 20 में आ गए एकदम, मतलब कुछ कह सकते हैं अराउंड 1.5 सेकेंड में। तो ब्रेकिंग भी आपको बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन ध्यान रखिए जो मैं ब्रेकिंग मारता हूँ दोस्तों वो मैं मारता हूँ फ्रंट एंड रियर दोनों साथ में मिला के, उससे क्या होता है पकड़ अच्छी आती है गाड़ी की। सिंगल ब्रेकिंग मारेंगे उतनी अच्छी आपको ब्रेकिंग नहीं मिलेगी, इसलिए मैं दोनों ब्रेकिंग साथ में मारता हूँ। दोस्तों स्पीडोमीटर की विजिबिलिटी के बारे में मैं बात करूँ तो स्पीडोमीटर विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि भाई मैं जो है काफ़ी ब्राइट डे पे चला रहा हूँ, ब्राइट डे होने की वजह से मुझे स्पीडोमीटर का भाई विजिबिलिटी नहीं पता चल रहा, वो चीज़ आपको उसमें नहीं मिलेगी। इसकी जो विजिबिलिटी है दोस्तों वो भी जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है, मतलब स्पीडोमीटर की जो क्वालिटी आप कह सकते हैं, मतलब अंदर की जो ब्राइटनेस है वो आपका पे काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। उस चीज़ को भी लेकर जो है कंपनी ने इसमें ध्यान रखा है और इनको ध्यान रखना भी था, तो वो चीज़ भी इन्होंने अच्छा काम किया है। एंड आपको बता दूँ सस्पेंशन क्वालिटीज़ के बारे में, तो सस्पेंशन जो है देखिए मोटामोटी मैं बोलूँगा ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कह सकता, बुरे भी नहीं है, लेकिन हाँ सस्पेंशन आपको ठीक ठाक से मिलेंगे। और देखिए भाई आप देखिए 100,000 रुपये में आपको ये बाइक मिल रही है, ठीक है, मतलब 1-1.10 के आसपास की ऑन रोड जाएगी। तो आप ये सोचिए कि आप भाई स्प्लेंडर ले रहे हैं आज, उसका भी रेट 100,000 रुपये हो चुका है। तो कोई कंपनी बजाज जैसा कंपनी आपको जो है भाई वो दे रहा है आप लोगों को भाई, मतलब इसके इस प्राइस में एक कह सकते हैं आप जो है स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक, भाई स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक ही है ये,
वो चीज़ आपको मिल रही है 125 में ना, वो काफ़ी बड़ी बात है, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। तो वो भी जो चीज़ है दोस्तों आपको इसकी जो है देखने को अच्छी खासी मिलेगी, तो ये भी जो है आपको इसका प्लस पॉइंट जो है ज़रूर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एज अ प्राइस पॉइंट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छी जो है दोस्तों ये व्हीकल आपको देखने को मिलेगी। एंड देखिए अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको लेना है या नहीं भी लेना, और अगर आप प्लान थोड़ा भी बना रहे हैं तो आपको जो एक बार ना शोरूम आकर विजिट करना चाहिए। जब आप शोरूम में विजिट करेंगे, जब इसे सामने से देखेंगे ना, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि आपकी बाइक कैसी और कैसा लग रही है। देखिए वीडियो फोटो में देखने में और रियल लाइफ में देखने में ना काफ़ी फ़र्क हो जाता है। रियल लाइफ में बाइक का लुक कुछ अलग आता है और फोटो वीडियो में बाइक का लुक कुछ अलग आता है, इस वजह से बस मैं आपसे कह रहा हूँ। बाकी देखिए और एक बात, इसमें जो चार्जिंग पॉइंट है वो भी आपको मिलता है, हालांकि ये सब चीज़ें मैंने वॉकरूम में बता रखा है, चार्जिंग पॉइंट भी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आगे से भाई रोड ब्लॉक है तो हम जो है इधर चलते हैं। चलिए लास्ट टाइम मैं इसे थोड़ा सा खींचता हूँ, उसके बाद वीडियो एंड करेंगे। ये देखिए देखिए तो पावर आपको जो है इसका काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तुरंत पिकअप ले रही है, और 125 के हिसाब से तो भाई काफ़ी अच्छी जो पावर है आपको इसकी फील होने वाली है कि आपको महसूस होगा हाँ भाई 125 है, बट एक स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि पावर की आपको जो है इसमें कमी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक, बाकी दोस्तों आपका अब ओपिनियन क्या है इस बाइक को लेकर बताइएगा, आपका ओपिनियन बदला है नहीं बदला ये ज़रूर बताना। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको उसका जो है एक और देखिए स्टैंड डालूंगा, मैं बंद हो जाएगी, इंजन कट ऑफ मतलब स्टैंड में भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक वॉक राउंड दिखा देता हूँ और मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो कुछ इस टाइप का जो लुक है दोस्तों हमें इस बाइक का देखने को मिल रहा है, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।